हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बताने वाली हूँ कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी की कथा भी बताऊँगी और पूजा विधि भी बताऊँगी और किस दिन है, कौन सा डेट है और किस शुभ मुहूर्त में हमें पूजा करनी है। तो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। हिंदू धर्म में इसकी बहुत ही महानता है। यह भादो मास में शुक्ल चतुर्थी को हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। गणेश पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार इसी दिन समस्त विधि विधाओं को दूर करने वाले कृपा के सागर तथा भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश भगवान पार्वती माता और शिव के पुत्र हैं, इसी दिन इनका जन्म हुआ था। यानी कि और ये इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार अगस्त और सितंबर में आता है। और ऐसे हिंदुओं का जो कैलेंडर है उसके अनुसार भादो मास में शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर 2017 में यह भगवान विनायक विनायक गणेश जी को ही कहा जाता है। भगवान विनायक के जन्म दिवस पर मनाया जाने वाला यह महापर्व पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में ये और भी ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है। भारत के सभी राज्यों में हर्षोल्लास पूर्वक और भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 25 अगस्त के दिन मनाया जाएगा, यानी कि गणेश भगवान की स्थापना की जाएगी। और यह पर्व पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन विसर्जन होता है, जिसमें पूरी विधि विधान के साथ भगवान की पूजा की जाती है 10वें दिन, और उनकी प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया जाता है। भगवान से अच्छे चाल, अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने का ज्ञान, बुद्धि, धन, दौलत, जो भी उनकी चाहत होती है वो मांगते हैं गणपति बाबा से। यानी कि हिंदुओं में बहुत ही खास, यानी कि जो भी हम पूजा करते हैं, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, इसमें गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महानता है इनकी। तो भगवान गणेश, ये कथा यह है कि एक बार माँ पार्वती स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उनका नाम गणेश रखा। फिर उसे अपना द्वारपाल बनाकर दरवाजे पर पहरा देने का आदेश देकर स्नान करने चली गई। थोड़ी देर बाद भगवान शिव आए और द्वार के अंदर प्रवेश करना चाहा तो गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश के सिर को काट दिया और द्वार के अंदर चले गए। जब माँ पार्वती ने पुत्र गणेश जी का सर कटा हुआ देखा तो वो बहुत ही गुस्सा हुई। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, उन्हें शांत करवाया और भोलेनाथ यानी कि शिव शंकर से बालक गणेश को जिंदा करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए एक गज यानी कि हाथी के कटे हुए मस्तक को श्री गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। यानी कि गणेश भगवान का जो शरीर था उसमें गज यानी कि हाथी का सर को जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया। इस तरीके से भगवान गणेश का जन्म हुआ और हमें पता चला कि वो क्यों, उनका स्वरूप ऐसा क्यों है। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि होती है जिसमें हम उनकी प्रतिमा को सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी सभी किसी भी धातु के रहते हैं बने हुए, यानी कि लगभग यही सोने, चांदी, तांबे और मिट्टी के भी गणेश भगवान रहते हैं। उनकी प्रतिमा को हम धूमधाम से और अच्छे श्रद्धा पूर्वक भाव से उनका स्थापना करते हैं, पूरे विधि विधान से पूजन के अच्छे से पूजा करते हैं और उन्हें ब्राह्मणों के द्वारा भी पूजा करवाते हैं, उनकी आरती करते धूमधाम से मनाते हैं।
लड्डुओं से भोग लगाया जाता है, उनके मोदक से भी भोग लगाया जाता है। 21 लड्डुओं से ज़्यादातर भोग लगाया जाता है और उनकी सिंदूर से आरती, सिंदूर क्या उन टीका किया जाता है, उनकी आरती की जाती है। पूरे घर में अगर सिर्फ पंडालों में ही सिर्फ भगवान की मूर्तियों की पूजा नहीं होती, सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, बल्कि घर पे भी लोग स्थापना करते हैं, घर पे भी स्थापना करते हैं तो उनकी प्रतिमा लाते हैं, पूरे विधि विधान से इनकी इसकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा देते हैं। मोदक गणेश भगवान को बहुत पसंद है तो मोदक भी चढ़ाया जाता है अपने श्रद्धा पूर्वक, और अपनी जो उनकी क्षमता है उसके अनुसार भगवान गणेश की पूजा की जाती है। और पूरी जब भी इनका विसर्जन होता है तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और पंडालों में इनकी प्रतिमाओं की पूजा की जाती है, प्रतिमाओं की पूजा की जाती है, मेले की तरह इसी में होता है। आप सिर्फ भगवान का दर्शन ही नहीं करते हैं, खाने के पीने के खिलौने ये सब सारी चीज़ें बिकती हैं, लोग धूमधाम से इसे 10 दिन तक घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, बहुत चढ़ावा चढ़ता है भगवान पे, और बहुत ही अच्छा और सुखमय आनंदमय दर्शन और भव्य रूप देखने को मिलता है। तो यह 25, आप याद रखें दोस्तों, यह 25 अगस्त को है, शुक्रवार के दिन भगवान गणेश की पूजा स्थापना की जाएगी उस दिन। और जो मान्यताएं हैं कि भगवान का जन्म मध्य दिन में हुआ था, ना सुबह में और ना शाम में, मध्य में हुआ था, तो पूजा भी शुभ मुहूर्त भी वही है, यानी कि 10:33 से 1:20 तक शुभ मुहूर्त है। तो इस काल में अगर पूजा की जाती है, इस समय पूजा की जाती है, तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे कि उनका जन्म भी इसी समय हुआ था। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी जान पाएँ कि किस दिन गणेश चतुर्थी है, समय दिन कथा क्या है और क्या मान्यताएं हैं। आप सभी को गणपति बाबा मोरिया, श्री गणेशाय नमः, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू।